नमस्कार दोस्तों, आज स्टूडियो में मेरे साथ में है मदन सिंह लखा, राजस्थान पुलिस के अंदर वर्तमान के अंदर सिलेक्टेड हैं। मदन सिंह जी, आपको संकल्प परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपको भी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संकल्प परिवार का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपसे काफी प्रेरणा ले चुका हूँ और विशेष करके आपके योगदान मार्गदर्शन के दिए साहब मैं तैयारी करके सफल फर्स्ट स्टेज मैंने पार किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। खास करके दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान के अंदर जब राजस्थान पुलिस का जब रिजल्ट आया तो उसके बाद में सबसे ज्यादा चर्चित जो विषय रहा वो विषय ये रहा कि हमारी जितनी भी सीटें थी वो सारी की सारी सीटें फौजी खा गए। तो आज ऐसे एक मेरे पास में फौजी ही खड़े हैं। अब ये आपको बताएंगे कि वास्तव में इनकी गलती की वजह से हुआ है या सरकार के कुछ नियम की वजह से हुआ है, वो सारी बातें अपन जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कुछ इतिहास की ओर चलेंगे और फौजी साहब से ये जानना चाहेंगे कि कब से सर्विस में रहे, सर्विस के अंदर क्या कोई विशेष बात घटना घटित हुई, उसके बाद में आप यहाँ आ जाते हो और आपके आपको लगा कि अब मुझे घर पे बैठ करके माता पिता की सेवा भी करनी है, सेवा के साथ साथ में अगर मुझे और कोई सेवा का मौका मिलता है तो वो भी मैं करने के लिए तत्पर रहूंगा। तो मदन सिंह जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। मैं मदन सिंह, राजपुर गांव लखा, जैसलमेर से हूं और मैं अभी कांस्टेबल में चयनित हुआ हूं। बाड़मेर जिले से मैंने फॉर्म भरा था और बाड़मेर से। अच्छा, आर्मी में आप कब से सिलेक्ट हो, कितने टाइम तक आपने वहां पर सेवा दी और आर्मी में कौन से, आर्मी में भी अलग अलग होते हैं जैसे आर्म होते हैं, कैवेलरी होते हैं, किसके अंदर? मैं सर्विस कॉर्प्स के अंदर था। मैं चार फरवरी 2003 से और 29 फरवरी 2020 तक मैंने सेवा दी सेना के अंदर। 17 साल पूरा कार्यकाल, 17 साल 26 दिन करके मैं सेवानिवृत्त हुआ। बहुत बढ़िया। और उसके बाद मैं ये कंपटीशन की तैयारियों में लग गया। आप जैसे मार्गदर्शन के हिसाब से मैंने आप लोगों ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ो और आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया मदन जी। आर्मी में रहते हुए, आर्मी में रहना, राष्ट्रभक्ति, इस मातृभूमि की सेवा करना, उस दरमियान को ऐसी कोई विशेष करके घटना घटी तो जिसमें आपको ऐसा लगता हो कि जिंदगी एक बार वापस मुझे मिल गई? हाँ बिल्कुल, मैं नागालैंड के अंदर पोस्टेड था 2004-05 के अंदर और मैं ट्रेनिंग करके न्यूली वहाँ पोस्टेड गया था। तो रेलवे स्टेशन को, मेरे यूनिट के बिल्कुल नज़दीक था और रेलवे स्टेशन को आतंकवादियों द्वारा उसको उड़ाया गया था। तो एक तो नई नई पोस्टिंग थी वहाँ पर, ज्वाइनिंग थी मेरी, और उसको ये हादसा देख के हम लोग काफ़ी, वैसे नया इंसिडेंट देखा तो काफ़ी भयभीत थे, लेकिन क्या सेना के अंदर वर्दी रहती है तो बहुत जुनून रहता है। इस चीज़ को हमने, हमारी पड़ोस में सब यूनिट है जैसे, सब ने मिल के काफ़ी सहयोग से और पब्लिक को भी बचाया और काफ़ी अच्छा हमने सहयोग किया उसके अंदर। अच्छा, एक बात अभी आपने बोली कि सेना में वर्दी पहनते हैं और वर्दी पहनने के बाद में बहुत जुनून आ जाता है, ये आपको वर्दी जब तक आपने पहनी नहीं थी और आप सिविल थे, जैसे मैं भी आज एक सिविल हूँ और भी मेरे कई लाडले सिविल के अंदर हैं, तो सिविल और जैसे आपने वर्दी पहनी उस दोनों में बहुत अंतर नजर आया? हाँ, वर्दी के अंदर ऐसा होता है कि आपको कहीं भी कोई भी भयभीत होने का ऐसा कुछ पता नहीं कैसे हो, ये तो भगवान की मैं देन ही समझता हूँ, जुनून खुद ही पैदा होता है उसके अंदर। क्या बात है, खुद पैदा हो जाता है जुनून कि जब आप वर्दी पहन लेते हो, कहते हैं वर्दी नसीब वालों को मिलती है। वर्दी के तो बिल्कुल आदमी को नाज होती है और बिल्कुल गर्व महसूस करता है, तो अपने आप वो सीना वहाँ चौड़ा हो जाता है वर्दी देखते आदमी को, लेकिन वर्दी की इज्जत करनी चाहिए हमेशा जी। अच्छा बताओ मदन सिंह जी, बाड़मेर में आप लोग कितने रिटर्न पास हुए थे जो एक्स सर्विस मैन थे? बाड़मेर से हम लोग रिटर्न से हम 23 पास हुए थे, 23 के 23 हम फिजिकल में पास हो गए थे और उसमें से 12 ही हम फाइनली सेलेक्ट हुए। इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि आर्मी के जितने भी एक्स सर्विस मैन थे सबको ले लिया? सबको नहीं लिया जाता, सब शारीरिक रूप से भी काफी सेलेक्ट हो गए, एग्जाम में तो काफी बैठे थे, कुछ एग्जाम में फेल हुए, एग्जाम किसी क्लियर हुआ तो शारीरिक सब मापदंड पूरा किया, लेकिन शारीरिक मापदंड पूरा करने के बाद भी हमारे साथी 8-10 रह गए न्यूनतम कोटे से, वो भी पार हो गए पूरा। अच्छा, उन्होंने पूरा कैटेगरी फुलफिल किया फिर भी हो रह गए। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि सभी को लिया गया, सभी ऐसा नहीं लिया गया दोस्तों, आप समझने की कोशिश करिएगा कि सभी को नहीं लिया गया, लेकिन एक बैकलॉग कोटा था जिसको 5 साल के अंदर उसको पूरा करना था, अब नया बैकलॉग कोटा शुरू होगा इस वजह से ऐसा हो गया है। हालांकि ये बैकलॉग कोटा इस बार जब पूरा करना था तो इस विज्ञप्ति के अंदर ये दर्शाना था कि यहाँ पर जनरल की ओबीसी की कोई सीटें नहीं होगी क्योंकि हम बैकलॉग कोटा लेंगे, ये सरकार जानकारी, हमें भी जानकारी नहीं थी, सीटें बैकलॉग की 23 सीटें दी हुई थी बाड़मेर जिले से, तो हमने भी, मेरे को तो इतना थोड़ा सा जानकारी था कि बैकलॉग कोटा रिकवर किया जाएगा इस बार, तो मैंने फॉर्म में ऐसे भरा था। और मैं तो वैसे पुलिस का एक्चुअली देखा जाए मैं तो तैयारी भी नहीं कर रखा था, मैं तो
मेरे पड़ोस में रहते लक्ष्मण सिंह जी के, वो तो उन्होंने मुझे जब मेरे बुखार से ग्रसित था उन्होंने मुझे भेज दिया, तो बस में बिठा दिया, मैं चला गया, फिर भी एग्जाम दे के आ गया। और आप लोगों की मैं ऑनलाइन क्लासे देखता था। बहुत बढ़िया, लक्ष्मण जी वैसे बहुत जुनूनी इंसान है और उन्होंने आपको मोटिवेट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, बहुत अच्छा उन्होंने, मैं एग्जाम देने, ये रियली एक मैं एग्जाम देने नहीं जा रहा था। नहीं जाते क्यों? मैं वैसे मैं एसआई और पटवार की तैयारी कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं नहीं जाना था। आपका सपना एसआई का, पटवार, ग्राम सेवक, इसका भी है, और आपने पुलिस विभाग में भी, अगर आप पुलिस विभाग में भी रहते हो तो मुझे उम्मीद है कि आप पुलिस विभाग के अंदर बहुत अच्छी सराहनीय सेवा दोगे यहाँ पर रह करके। अच्छा, ये आप बताइएगा कि वर्तमान के अंदर आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो आपको ऐसे नहीं लगता है कि एक उम्र के बाद में अब तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है? हाँ, शुरू शुरू के दौर में ऐसा हुआ था, किताब जैसे किताब अगर किताब को सामने लेते तो नींद आ जाती थी, आलस आ जाता था, ऐसा होता था, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ, फिर आप लोगों से मोटिवेट, आप, मैं तो संकल्प क्लासेस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। बहुत बढ़िया, मैं संकल्प परिवार से जुड़ के काफी कुछ सीखा, और मेरा जुनून शिक्षा के प्रति और मेरा पढ़ने का जुनून, वैसे मैंने राजस्थान पुलिस के साथ में एसएससी के दो एग्जाम पास किए मैंने, ठीक है, वो मैं वर्तमान में मेरे पेंडिंग, एक जुलाई में दूसरा एग्जाम है और एक दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड हूँ। अच्छा, दिल्ली पुलिस में आपका फिजिकल बाकी है? फिजिकल बाकी है, रिटर्न आपका क्लियर है, क्लियर है मेरा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात। अच्छा मदन सिंह जी, एक बात बताइए, ऐसा कई बार ऐसा कहते हैं कि फौजी बहुत अनुशासित होते हैं और उनकी जीवन शैली बिल्कुल अलग से होती है, उनको जैसे कोई अनावश्यक चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, राष्ट्रभक्ति उनके अंदर कूट कूट के भरी होती है, तो क्या आपको, आपके जीवन में भी ऐसा ही है क्या? बिल्कुल, अनुशासन तो एक इंसान को महान बनाता है, अनुशासन हर सिविलियन के अंदर भी, और फौजी हो या चाहे कोई भी सर्विस, लेकिन जैसे आप शिक्षाविद लोग हैं, जैसे आप शिक्षक गण हैं, तो अनुशासन तो सब आप ही सिखाते हो, शुरुआती पीढ़ी वहीं से होती है, अनुशासन सबसे पहले, अनुशासन ही आदमी को हर चीज़ के लिए, अच्छे के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, आज अपने स्टूडियो में अपने साथ में मदन सिंह जी थे, और मैं ये चाहता था कि एक्स सर्विसमैन को अपने साथ में आकर के अपने से बात करें, और इन्होंने बड़े सरल तरीके से अपने को अपनी बात बताई, और मेरे यहाँ आने से पहले भी इन्होंने मुझे यही बात बताई कि इसमें देखिए हमें भी लगता है कि बच्चे कह रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन हमारी सारी सीटें खा गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बैकलॉग सरकार की कुछ नियमावली थी, गाइडलाइन सरकार की थी, सरकार की गाइडलाइन के कारण ऐसा हुआ है। इससे पहले जितनी भी भर्तियां थी, मुझे बहुत अनुभव, लंबा अनुभव मदन सिंह जी, 2004 से बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने कभी भी ऐसी स्थिति नहीं देखी। तो उस समय क्या बैकलॉग कोटे होता था, लेकिन उसमें क्या होता था, उसमें इतने कैंडिडेट नहीं मिलते, एक साथ कैंडिडेट नहीं मिलते, मिलते नहीं थे। और इस बार ऐसा हुआ कि बैकलॉग कोटा, विशेष आपका कांस्टेबल भर्ती से बिल्कुल आपका लगाव है संकल्प, बहुत लंबे समय से, लंबे समय से, और इस बार बैकलॉग कोटा भी लेना था और कैंडिडेट भी मिल गए, और जब कैंडिडेट मिल गए हैं तो समझ लीजिएगा कि वो उस मेरिट में आए। अच्छा, ज्यादातर सीटें जनरल और ओबीसी की सीटें रिकवर की गई, इसका कारण ये था कि अधिकतर जो एक्स सर्विसमैन है वो खुद जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल से ज्यादा है, जनरल से भी ज्यादा, ये तो एक्स सर्विसमैन लगभग परसेंटेज देखा जाए तो जनरल कैटेगरी से ज्यादा ही आते हैं, जनरल से ज्यादा, जनरल, ओबीसी, और ये शेखावटी क्षेत्र आप देख लीजिए, ओबीसी बैंक बहुत बड़ा होता है, तो ये स्थितियां इस प्रकार की हुई है। तो यहाँ हमें एक बार अपने आप को मजबूत करना होगा, आगामी भर्ती के लिए अपने को तैयार करना होगा, क्योंकि ये कुछ गाइडलाइन है जिस गाइडलाइन के कारण ऐसा हुआ है। मदन सिंह जी, आज आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप पुलिस विभाग में भी रहते हुए अच्छी सेवा दो, और अगर आपका और कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो उस विभाग में भी जाकर के आप उसी प्रकार सेवा देना जिस प्रकार आपने आर्मी में सेवा दी है। आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, शुक्रिया सर, बहुत बहुत।